एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव था तहसील ठाकुर द्वारा ब्लॉक दिलारी स्थित ग्राम ईलर। ग्राम पंचायत ईलर जिला मुख्यालय से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुल 2000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत इस समय प्रधान इंद्रवती के हाथों में है। प्रधान इंद्रवती ने इस गांव में अनेक विकास कार्य करवाए हैं। ग्राम ईलर में शिक्षा का स्तर भी काफी हद तक बेहतर स्थिति में नजर आया। यहां जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं में लगभग 184 बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दिए। साथ ही ग्राम में आने वाले सभी लाभों जैसे विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना व विकलांग पेंशन योजना के तहत लगभग 70 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही इस ग्राम पंचायत में पानी की निकासी की व्यवस्था बेहद बदतर स्थिति में दिखाई दी। ग्रामीणों ने एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए सरकार से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं को गांव में दुरुस्त कराने की भी मांग की है, जिससे छोटी से छोटी बीमारी के लिए उनको गांव से बाहर ना जाना पड़े। साथ ही काशी हूं और मतलब प्रधान जी हमारे अच्छा विकास कर रहे हैं और शौचालय खूब अच्छे बनवाए हैं इन्होंने और खड़ंजे नाले और RCC रोड बनवाए हैं। अच्छा विकास हो रहा है वैसे हमारे यहाँ। प्रधान प्रतिनिधि ने भी कैमरे से बात करते हुए बताया कि सरकार जल्द से जल्द हमारे गांव के लिए पैसा भेजे, जिससे हम गांव में अधिक से अधिक विकास करा सकें और गांव में सड़कों का निर्माण व बिजली के पोलों की व्यवस्था भी दुरुस्त करी जा सके। यहाँ काफ़ी विकास कार्य चल रहे हैं हमारे गांव में। कुछ सड़कें बनवाई हैं, हैंडपम्प करवाए हैं और शौचालय बनवा दिए, आंगनबाड़ी केंद्र का काम चल रहा है और 15-20 अभी मैंने पेंशन दिए नहीं वृद्धावस्था और विधवा, और मैंने माननीय मंत्री जी को पंचायत राज मंत्री जी ने लिख के दिया है कि मेरे यहाँ एक शमशान घाट और एक बारात घर ये चाहिए, तो ये हमारे यहाँ जरूरी है क्योंकि हमारे पास में नदी है ढेला, उसकी वजह से कोई यदि बरसात में कोई ख़त्म हो जाता है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।